जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार बस आने ही वाला है और इस त्यौहार को सब लोग बहुत हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि 2022 की तरह 2023 में भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा योग बनने वाला है। और जैसे कि बागेश्वर धाम गुरु जी बताते हैं कि भद्रा योग में राखी बांधने से बहुत से नुकसान होते हैं, और साथ ही साथ गुरु जी ये भी बताते हैं कि जिस समय रक्षाबंधन में भद्रा योग होता है उस समय भाई बहनों को राखी बांधते समय सचेत रहना चाहिए। और साथ ही गुरु जी ने ये भी बताया है कि अगर रक्षाबंधन के दिन आप 5 रुपये की एक चीज़ लाते हैं तो इसे लाने से आपके अपने घर के साथ साथ आपके भाई के घर में भी खजाने भर सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सके। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू धर्म में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधते हैं और भाई उनकी पूरे जीवन रक्षा करने का वचन देते हैं। हमारे यहाँ पिछले वर्ष की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का योग है, और गुरुजी का कहना है कि भद्रा काल में कोई भी बहन भूल कर भी अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधे, वरना इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त 7:05 तक इस तिथि का समापन होगा, और 30 अगस्त को राखी बांधने का कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया है कि जब बहनें अपने भाई के लिए राखी लेकर जाएं तो उन्हें कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने भाई के लिए राखी ले जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, क्योंकि काले रंग की राखी नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। और यदि आप काली राखी लेकर जाती हैं या काले कपड़े पहनकर जाती हैं तो इसका प्रभाव आपके भाई के जीवन पर पड़ सकता है। आगे गुरुजी बताते हैं कि हर बहन अपने भाई के लिए 5 रुपये की मौली लेकर जरूर जाए, यानी कि कलावा। आप अगर रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के यहाँ कलावा लेकर जाती हैं तो आप उस कलावे को 11 बार अपने भाई की कलाई पर बांध दें। ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और साथ ही गुरुजी कहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की नज़र अवश्य उतारे, इससे उसके भाई के ऊपर जितनी भी बलाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी के द्वारा बताई हुई सारी बातें आपको अवश्य पसंद आई होंगी, और इसी के साथ बागेश्वर धाम जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।